जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछले क्लास में, अगर आपको याद होगा, तो इकोलॉजी के क्लास को कवर किए थे, और इकोलॉजी के करीब करीब जितने भी कंसेप्ट हमारे को पढ़ने थे, जितने भी कंसेप्ट थे, बेसिक सारे कंसेप्ट को हम इकोलॉजी वाले क्लास में खत्म कर दिए थे। बाकी जितने भी कंसेप्ट बचे हुए हैं, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उस टॉपिक को हम, जहां लगा कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसीलिए उस टॉपिक को वहां पे छोड़ दिया गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ चीजें और बतानी चाहिए उसमें, तो आप बताइएगा, तो हम उसका लेक्चर अपलोड कर देंगे। पर बाकी जितनी भी चीजें थी बचा हुआ, वो सारे के सारे किसी कोई भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए हम उस टॉपिक को छोड़ दिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए थे एडेप्टेशन में क्या कहानी होती है, तो इसीलिए उस टॉपिक को हम वहां से लेफ्ट कर दिए। अब हम इसी कड़ी को, अब एक जूलॉजी के नए कड़ी की शुरुआत आज हम करेंगे, और उस कड़ी में जो कड़ी है वह है आपका इम्यूनोलॉजी का। ठीक है, इम्यून सिस्टम की बात है, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं। इम्यून सिस्टम की बात अगर हम करें, तो इस टॉपिक से आप अनजान नहीं है, जाना पहचाना टॉपिक है। आप ऑलरेडी पहले से जान चुके हैं कि इसकी कंसेप्ट क्या होती है, इसका बेसिक कंसेप्ट कहाँ शुरू होता है, इसका फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, ये चीजें आप पहले से जानते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको पीछे की चीजें रिवाइज कराते हैं, और रिवाइज कराते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका रिलेशन जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में खास करके जहां हम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वहां पर इसकी काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। कहां पे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और समझिएगा, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां पर इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब बात उत्पन्न होता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इस चैप्टर के क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम शुरू करते हैं वहां से। तो हम शुरुआत ही करेंगे आपको उसी जगह से, कहां से? ह्यूमन फिजियोलॉजी से। वहां से हम आपको पकड़ेंगे इस टॉपिक को, और उसके बाद धीरे धीरे इसको नीचे लेकर आएंगे, और तब हम आपको बताएंगे कि देखिए ये रिलेशनशिप होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ, किस तरह से ये इम्यून सिस्टम अटैच होता है आगे चलकर। चूंकि इम्यूनोलॉजी एक आपस में अपने आप में एक बड़ा यूनिट है, आप यूनिट की तो बात छोड़िए, आप लोग तो यूनिट पे पढ़ते हैं, हम लोग चूंकि जब एमबीबीएस क्लास में थे तो हम लोग पूरी एक किताब पढ़े इम्यूनोलॉजी पर, कि इम्यूनोलॉजी कैसे काम करता है, क्या कंसेप्ट होता है, किस तरह से IgA, IgB, IgG ये सारे सेल कैसे काम करते हैं, ये पूरा का पूरा एक फंडामेंटल किताब होती है, उस पर हम लोग को रिसर्च करना होता है, उस पर हम लोग को सारी चीजें पढ़नी होती है। पर आप लोगों को बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, आप लोगों को बहुत ज्यादा सेल के बारे में नहीं पढ़ना है कि किस तरह से कौन सी एंटीबॉडी और कौन सा एंटीजन बनता है, ये सब चीजें नहीं सीखनी है। ठीक है, आपको जितना बेसिक चीजें सीखना है, चूंकि एग्जाम भी सर के ऊपर, आप लोग के सर पे मंडरा रहा है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट में, मतलब कि ऐसा भी शॉर्ट नहीं कि आपको समझ में ना आए, कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को थोड़ा सा ज्यादा लेंदी ना करते हुए आसान वे में खत्म करने का। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसी कहानी। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ब्लड, आपको याद हो तो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ते हैं ब्लड। ब्लड के बारे में तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा ब्लड क्या होता है। ठीक है, तो चूंकि ब्लड जब हम लोग पढ़ते हैं, तो ये जनरली क्या होता है कि ब्लड में कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ब्लड जो है जनरल ब्लड होता है, नहीं, क्योंकि इससे हम लोग क्या करते हैं, कार्पस, इसमें दो तरह की चीज का निर्माण होता है। ब्लड जो होता है ना, ये दो चीज से मिलकर बना होता है, एक को कहते हैं हम लोग प्लाज्मा, और एक को कहते हैं हम लोग कार्पुसलस। देखो, ये कार्पुसलस जो है वो हाई लेवल पर कार्पुसलस बोला जाता है, ठीक है, लो लेवल पर जब हम लोग ब्लड सेल ही इसको कह देते हैं, पर ये जनरल इसका नाम जो होता है वो कार्पुसलस होता है, पर इसे जनरल लेवल पर हम इसे क्या बोल देते हैं, ब्लड सेल कह देते हैं, पर ब्लड सेल इसका अच्छा नाम नहीं है। जो लिम्फ होता है, यानी कि जो प्लाज्मा होता है, ये जनरली क्या होता है, इसमें लिम्फ सेल पाए जाते हैं, लिम्फ समझते हैं, इसके अंदर जो होता है वो लिम्फ सेल पाया जाता है, लिम्फ से होता है, खास करके आप अगर इसको ऐसे समझो, छोड़ो इसको लिम्फ सेल मत समझो, ऐसा समझो इसको, जो प्लाज्मा होते हैं, इस प्लाज्मा में करीब करीब, ध्यान रखना,
करीब करीब कहा जाता है कि 95 to 98% जो होता है वो वाटर पाया जाता है। कितना? 95 to 98% जो होता है इसमें वाटर पाया जाता है, और बाकी जो 2 to 5% जो होता है इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? इसमें 95 से 98% वाटर होता है और 2 से 5% इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा का बेसिक कंसेप्ट होता है। ये करता क्या है हमारे बॉडी में? जनरली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मदद करता है, और इसका मेन इंपॉर्टेंट जो आप देखे होंगे, ये चूंकि एक तरह से कह सकते हो कि बॉडी को लिक्विड की काफी जरूरत होती है सर्कुलेशन करने के लिए। अब 5 ही लीटर हमारे बॉडी में ब्लड होता है, मेल के अंदर, फीमेल जो होती हैं उनके अंदर जो होता है 4 to 4.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक, और जो मेल होते हैं उनके अंदर 5 to 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें ब्लड की कम, ब्लड जो होता है, अब 5 साढ़े 5 लीटर ब्लड में कितना काम होगा? तो कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में ब्लड की कमी पड़ जाती है, तो उस स्थिति में प्लाज्मा जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। आई बात सही में? प्लाज्मा जो है ये भी एक ब्लड का ही पार्ट है, निकाल ना, ये ब्लड का ही पार्ट है। ये प्लाज्मा आप देखोगे तो जनरली ये लाइट येलोइश कलर में प्लाज्मा पाया जाता है। आपने देखो, सुना होगा कोविड के पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी, मतलब कि प्लाज्मा देना। होता क्या है कि अगर जो भी ब्लड है, ठीक है, उस ब्लड में से, जितने भी ब्लड है इस ब्लड में से अगर हम जितने भी कार्पोसनस है उनको निकाल लें, और साथ में जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, उसको निकाल लें, तो जो बच जाता है वो प्लाज्मा होता है। खास करके कहा जाए कि ब्लड क्लॉट, ब्लड को सारे बाहर निकाल लें अगर, और उसमें जो प्लेटिंग क्लॉटिंग फैक्टर जो हमारे पास होता है ना, जो 12 पेयर में क्लॉटिंग फैक्टर होता है, फर निमोनिक याद है ना, फरीद प्यारे तूने कल थप्पड़ सहा आज लप्पड़ सहो पैसा हम फेंकेंगे, ये इसका निमोनिक है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर का जब हम पढ़ाएंगे ना ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहां हम आपको इस निमोनिक को लिखवाएंगे कि फरीद प्यारे तूने कल थप्पड़ सहा आज चप्पल सहो, लप्पड़ नहीं चप्पल सहो पैसा हम फेंकेंगे, ये इसका निमोनिक है। ठीक है, क्या कहते हैं, फरीद प्यारे फाइब्रीन प्यारे प्रोथ्रम्बिन और लास्ट में सहेंगे जो ग्लेशियर फैक्टर होता है, ये पूरा का पूरा एक निमोनिक की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे सिस्टम काम करते हैं। कार्पस जो होते हैं वो जनरली आगे चलकर 3 भाग में बढ़ता है, एक को कहते हैं हम लोग आरबीसी, एक को कहते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी, और एक को कहते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। ये चीजें आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये ऑलरेडी आप पहले से पढ़े हुए हैं, ये नई चीज आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब देखो आरबीसी जो होता है आप इसके बारे में भी अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है, और इनकी जो क्वांटिटी होती है हमारे बॉडी में, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूप में काम करता है, खास करके ऑक्सीजन और कार्बन डाई का कहते हैं एक्सचेंजर के रूप में, यानी कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन के माध्यम से, क्योंकि इस ब्लड का जनरल काम क्या होता है, जितने भी मिनरल्स न्यूट्रिशन होते हैं, क्या होते हैं, मिनरल एंड न्यूट्रिशन जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम ऑक्सीजन का होता है, सॉरी ब्लड का, कौन सा ब्लड का, आरबीसी का होता है। ठीक है, जो हमारा खाना बन गया डाइजेस्ट हो गया, और डाइजेस्ट खाना जब प्रोटीन, भाई जनरली जब हमारे बॉडी में फूड पार्टिकल्स जाते हैं तो उनका डाइजेशन की शुरुआत कहां, बकल कैविटी से होता है। बकल कैविटी में फूड जब डाइजेस्ट होता है तो वहां से जाता है कुछ तो कार्बोहाइड्रेट फैट वहीं डाइजेस्ट हो जाते हैं, फिर वहां से जाता है स्टोमक में, कुछ डाइजेशन स्टोमक में हो जाते हैं, फिर जाता है इंटेस्टाइन में, बाकी डाइजेशन कहाँ, इंटेस्टाइन में जाता है। तो डाइजेस्टन होने के बाद जो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट जो बचता है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचाने का काम किसका होता है, इसी ब्लड का होता है। यही आरबीसी जो होता है पूरे बॉडी में ट्रांसफ्यूजन करता है। इतना ही नहीं, जो हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आता है तो लंग्स में आने के बाद वह हार्ट में जाता है, क्योंकि
हार्ट एक ऐसा पंप होता है जो बॉडी के पूरी बॉडी को क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। आपने मूवी देखा होगा क्रिस 2 या क्रिस 3 में आप देखे होंगे कि जब वहां पे क्या होता है कि जब वायरस एक पूरे सिटी में फैलता है तो उसको ट्रांसफ्यूज करने के लिए, जो कि पूरी सिटी को पहुंचाने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, तो वहां देखा जाता है कि एक ऐसा क्या कहते हैं कि एयर सप्लायर होता है जिसके माध्यम से क्या करते हैं कि हर जगह कंडेंसर लगे रहते हैं, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, तो वो एक ऐसा जरिया होता है जहां तक हर जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फिल्टर एयर लेते हैं। तो उस तरह से हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो लंग्स होता है ये लंग्स से ऑक्सीजन को ट्रैप तो कर लेता है, पर ऑक्सीजन ट्रैप करके जाता है हार्ट में। कहां पे? हार्ट में। लंग्स से हार्ट में जाता है, इसको मतलब पल्मोनरी वेन कहते हैं। पल्मोनरी वेन के माध्यम से जाता है किस तरह, लेफ्ट आर्टरी में, और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है। तो चूंकि ब्लड ही एक ऐसा जरिया है जो शरीर के हर पार्ट में जाता है, तो लंग्स ने भी क्या किया, इनको पकड़ा और कहा कि ये हमारा ऑक्सीजन है, इसको तुम डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट में क्या कर दो, पहुंचा दो। तो इसीलिए जनरली जो होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से होता है। अब चूंकि जहां जहां ऑक्सीजन यूज हो गया वहां पे क्या बच जाता है, CO2। ऑक्सीजन का जब यूटिलाइजेशन होता है तो CO2 यूज बच जाता है। अब वो CO2 को क्या करता है, चूंकि अब ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में इसका यूज खत्म हो जाता है, अभी CO2 को क्या करता है, फिर ब्लड लेता है और आता है हार्ट के पास, और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से कहां आता है, लंग्स के पास। ठीक है, तो यहाँ पल्मोनरी वेन पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, और जनरली आप याद रखेंगे ये बहुत एग्जाम्पल में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टरी जो होती है जिसको हम लोग धमनी कहते हैं वो प्योर ब्लड का सप्लाई करता है। आर्टरी जो होता है जिसको हम लोग धमनी कहते हैं वो प्योर ब्लड का सप्लाई करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट से लंग्स को ब्लड देता है, लेकिन वो इनप्योर ब्लड की सप्लाई करता है। ऑल आर्टरी ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, वी ऑलवेज ट्रांसपोर्ट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो याद रखेंगे सारे के सारे आर्टरी जो होते हैं वह शुद्ध रुधिर का परिवहन, सारे के सारे धमनी जो होते हैं वह शुद्ध रुधिर का परिवहन करते हैं, अपवाद में पल्मोनरी धमनी होता है जो कि अशुद्ध रुधिर का परिवहन करता है। ठीक है, कहां से कहां तक, हृदय से फेफड़े में उसकी परिवहन होती है। किंतु लेकिन परंतु जितने भी सीरा होते हैं, मतलब कि जितने भी वेन होते हैं, वो सारे के सारे इन प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी सीरा, ने पल्मोनरी क्या करते हैं, वेन जो लंग्स से हार्ट में ब्लड लेकर आता है वो प्योर ब्लड का सप्लाई करता है। तो इस टॉपिक को एग्जामों में कई बार तोड़ मरोड़ के पूछा गया है, ये नीट वालों का सबसे बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसको केस बना देते हैं, पेशेंट की कंडीशन ये है, वो आरसीयू में एडमिट होता है, उसकी ब्लड सप्लाई चढ़ाई जाती है, फिर बताओ कि उसकी कौन से ब्लड सप्लाई जो होती है, कौन सी आरटी पार्टिसिपेट करती है लंग से हार्ट पहुंचाने में, तो उसे सिनेरियो एक बना देते हैं और सिनेरियो बनाकर उसे एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आरबीसी का मैंने इंपॉर्टेंट काम हो गया, हम आरबीसी का बहुत ज्यादा रिसर्च आपको नहीं करेंगे क्योंकि आप आरबीसी ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं। डब्ल्यूबीसी की बात आती है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो जनरली जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक को कहते हैं हम लोग ग्रेनुलोसाइट, और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग ग्रेनुलोसाइट, एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट। देखो डब्ल्यूबीसी जनरली दो तरह के तो होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्नोसाइट, लेकिन दोनों मिलाकर जनरली डब्ल्यूबीसी पांच तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? पांच तरह के होते हैं। ठीक है, इसके निमोनिक याद रख लो, नो लार्ज मंकी ईट बनाना। ठीक है, इसका निमोनिक याद कर लो, नो लार्ज मंकी ईट बनाना। ठीक है, बड़े बंदर जो होते हैं वो केला नहीं खाते हैं, ये मानने की चीज है, ये मत कहना कि बड़े बंदर केला नहीं खाते हैं, बहुत खाते हैं। ठीक है, तो हाथ में ऐसे घुमाते हुए मत कहना, छीन ले जाते हैं सब। ठीक है, तो नो मतलब होता है न्यूट्रोफिल्स, लार्ज मतलब होता है लिम्फोसाइट,
मोनोफिल्स, इसेनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, तो चार तरह पांच तरह के होते हैं डब्ल्यूबीसी। याद करने का तरीका, नो लार्ज मंकी ईट बनाना, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसेनोफिल्स और बेसोफिल्स, चलेगा? तो चार तरह के जनरल जो होते हैं वह पाए जाते हैं। ठीक, अब देखो इसमें से जो बीच के दो होते हैं ना, ये जो होते हैं वह अग्रेनोसाइट होते हैं, बाकी तीन जो होते हैं वह ग्रेनोसाइट होते हैं। ठीक है, बीच के जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं वह एग्रेनोसाइट होते हैं, बाकी जो तीन होते हैं वह ग्रेनुलोसाइट होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनोसाइट में क्या? देखो जब तुम हायर लेवल में जाओगे ना, तो हायर लेवल में ही तुम लोग हम लगा 12th पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इनके न्यूक्लियस को देखकर बताया जाता है। किसी किसी में न्यूक्लियस जो होते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड न्यूक्लियस होते हैं, दो तीन चार पांच होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके न्यूक्लियस जो कहते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो ग्रेनुलोसाइट होते हैं, मतलब बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं। सूज शेप का होना, देखेंगे आप सूज शेप के न्यूक्लियस होते हैं जो हॉर्स सूज शेप, इस तरह के उनके न्यूक्लियस जो होते हैं जनरली पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को। अब इसके बाद क्या होता है कि देखो, अब इसी में से डब्ल्यूबीसी का जनरल काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी, हमारे बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। ठीक है, एंटीबॉडी मतलब क्या, एंटीजन से लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी का होता है, ध्यान रखना। तीनों ब्लड का अपना अपना काम है, आरबीसी का काम क्या है, ब्लड को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, CO2 सबका ट्रांसपोर्टेशन का काम आरबीसी का है, उसके सिवा आरबीसी कुछ नहीं करता है। उसे कहोगे कि हमारे बॉडी में फाइटिंग अब वायरस आ रहा है मारो, का हमारे बस की बाहर बात है भैया, हमारा डिफेंस एरिया अलग है। ठीक है, जैसे हमारे देश में जल सेना, थल सेना, वायु सेना है, तीनों का अलग अलग डिफेंस एरिया है, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों का डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस एरिया है, तीनों का अपना वर्क अलग अलग है। आरबीसी कभी भी डब्ल्यूबीसी का काम में पार्टिसिपेट नहीं करता है और डब्ल्यूबीसी कभी प्लेटलेट से काम में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तीनों का काम, तीनों का फंक्शन अलग अलग, चलेगा? अब देखो तो इनमें क्या हुआ कि जो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है, तो इनमें डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, ये डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी का मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी में जितने भी बाहर से कोई, मान लो कि घूमते भटकते कोई पैथोजन आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, तो उससे लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए डब्ल्यूबीसी का काम होता है। ये डब्ल्यूबीसी हमेशा इनगल्फिंग काम करता है, ठीक है, ये जलता है और जो मिल जाता है उसको खा जाता है, ये काम होता है डब्ल्यूबीसी का। आई बात समझ में? हमारे बॉडी में कभी कभी क्या होता है कि जितने भी खास करके मान लो कोई वायरस आता है, ठीक है, कोई वायरस आता है या कोई बैक्टीरिया आता है, तो उसको किल करने का काम, सबसे पहला काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का, लिम्फोसाइट वहां पे पहुंचता है। ध्यान रखेंगे जो हम यहाँ पर नंबर लिखे ना बेटा, जो नो लार्ज मंकी ईट बनाना, इसको हम किस हिसाब से लिखे पता है, सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में पाया जाता है वो होता है न्यूट्रोफिल्स, इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है हमारे बॉडी में, किसकी संख्या, न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है, और सबसे कम संख्या जो होती है वो बेसोफिल्स की संख्या होती है, 5 से 10, बहुत कम, बेसोफिल्स की संख्या बहुत कम होता है, ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो संख्या के आधार पर हम इसको डिवाइड किए, मतलब कि सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम मोनोसाइट्स, सॉरी बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स नहीं, सबसे कम जो होता है वो बेसोफिल्स, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स। अब देखो अगर आपको नहीं याद हो ना, आपको बिलीव ना हो ना, तो आपके घर में कोई भी ऐसे व्यक्ति होगा जिनका ब्लड जांच हुआ होगा, ब्लड टेस्ट तो हुआ ही होगा कभी ना कभी, तो ब्लड टेस्ट हुआ होगा, जिनका ब्लड टेस्ट हुआ होगा ना, उनके रिपोर्ट को आप देखना, रिपोर्ट देखोगे ना तो उसमें आपको दिखाएगा, ब्लड टेस्ट में आरबीसी की काउंटिंग दे देगा 2.5 लाख से 3 लाख प्रति लीटर क्यूब को दे देगा, यूनिट जो होती है वह 11 और 12 यूनिट के करीब करीब ब्लड लेवल होता है। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी को देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा न्यूट्रोफिल्स की संख्या इतना, मेसोफिल्स की संख्या इतना, एसिनोफिल्स की संख्या इतना, लिम्फोसाइट की संख्या इतना, वो सारा नंबरिंग जो होता है वो ना वो दिया रहेगा, आप उसको देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो ब्लड रिपोर्ट जो होता है वहीं से देखी जाती है, क्लियर हो गया? अब जो ये डब्ल्यूबीसी है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, देखो इससे पहले हम आपको एक चीज बता दें, जितने भी ब्लड सेल होते हैं वो आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो,
सबका निर्माण जो होता है वह स्पाइनल, मतलब कि मिरर जी स्पाइनल कॉर्ड से होता है, सबका डेवलपमेंट स्पाइनल कॉर्ड से होता है। अगला सही में जो स्पाइनल कॉर्ड पता है ना किसे कहते हैं, जो आपको स्पाइनल कॉर्ड अगर पता करना होगा तो अपने पीछे जहां हाथ रखना और पीछे देखोगे तो ऐसे पीछे जब दोनों ऐसे क्या होता है कि आप अपने बॉडी को देखोगे तो बॉडी जो है इस तरह से डिवाइडेड होती है, दो भागों में बॉडी जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, अपने हाथ को बैक करना और बैक करके आप फील करोगे तो लगेगा कि बीच से एक रास्ता आई हुई है जहां दो भागों में डिवाइड करता है, जो सीधा स्ट्रेट पोर्शन है वही जो होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है। और उस स्पाइनल कॉर्ड में से करता क्या है कि बहुत सारे नर्व सेल निकलते हैं, क्या होते हैं नर्व सेल होते हैं। हम आगे आपको अभी इसके क्लास के बाद हाई स्कूल वालों का क्लास है, अगर आप ज्वाइन करना देखना, उसमें पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम। आज उसकी क्लास की पहली क्लास है 10th वालों का नर्वस सिस्टम का, तो आपको बताएंगे सेंसरी नर्व किसे कहते हैं, मोटर नर्व किसे कहते हैं, मिक्स नर्व किसे कहते हैं, किस तरह से ह्यूमन ब्रेन का नर्वस सिस्टम काम करता है। तो उसमें हम थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं बताएंगे पर थोड़ा बहुत जरूर बताएंगे कि क्या जनरली सिस्टम करता काम है। ठीक है, तो उसको क्या होता है कि जितने भी ये सिस्टम क्या है कि वहां पे नर्व सेल जो है जिससे अटैच होता है, जो कि सारी इंफॉर्मेशन, भाई स्पाइनल कॉर्ड्स को हमारे बॉडी का सेकंड ब्रेन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जब ब्रेन बिजी रहता है, ठीक है, तो उस स्थिति में हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही जो है वो काम को कंट्रोल करता है उसको। भाई ब्रेन जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड पर्सन है, कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं रहते हैं तो जो असिस्टेंट होता है वही काम को कर देता है। आप बेस्ट एग्जाम्पल समझाते हैं उनको, जो नर्स होती हैं, नर्स को डॉक्टर का हर्ट कहा जाता है। ठीक है, या अगर एक हॉस्पिटल का हर्ट अगर एक डॉक्टर है तो उसका जो हर्ट बीट है वो उसकी नर्स होती है, क्योंकि अगर नर्स ना रहे तो हॉस्पिटल नहीं चलेगा, क्योंकि डॉक्टर को जितना मेडिसिन की नॉलेज नहीं होती है ना उससे ज्यादा नॉलेज नर्स को होता है, क्योंकि उनको उससे ज्यादा वो ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है। जितना केसेस एक डॉक्टर नहीं देखते हैं ना हॉस्पिटल की, जितना केसेस एक डॉक्टर हैंडल नहीं करते उससे ज्यादा एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉक्टर सिर्फ सिग्नेचर करते हैं, नर्स को डॉक्टर से ज्यादा मेडिसिन की नॉलेज होती है। पर अंतर यह होता है कि डॉक्टर ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं तो इसलिए उनकी जो थोड़ा सा वैल्यू है ज्यादा दे दी जाती है। पर नर्स हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक हॉस्पिटल चलता है तो हॉस्पिटल से हमारी बॉडी चलती है, तो बॉडी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जिस तरह से हर्ट होता है उस तरह से एक हॉस्पिटल चलता है, तो हॉस्पिटल चलाने के लिए अगर एक डॉक्टर की जो तनिक की हर्ट है तो हर्ट अगर रहे और हर्ट पंप ना करे, हर्ट बीट ना करे, तो बॉडी रहने से कोई फायदा नहीं है। उसी तरह से हॉस्पिटल है और उसमें डॉक्टर भी है और उस डॉक्टर को अगर नर्स ना रहे तो हॉस्पिटल चलने लायक नहीं होता है। केवल डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं चलाते हैं, हॉस्पिटल जो होते हैं वो नर्स चलाती हैं, डॉक्टर से देख रेख करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हमारे बॉडी में ब्रेन जो है उसका अपना काम है, ठीक है, कंट्रोल तो करता ही है लेकिन ब्रेन सारे काम को कंट्रोल नहीं करता। उस कंट्रोल करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं उसी के अंदर जो होता है बोन मैरो पाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी बोन मैरो ऐसा नहीं कि स्पाइनल कॉर्ड में ही पाए जाते, कई जगह जितने बॉडी के हर बॉडी के पार्ट में बोन मैरो पाए जाते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो के अंदर, आप बोन मैरो को अगर आप देखना चाहते हो कि बोन मैरो कैसा होता है तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखो बोन मैरो को आपको देखना है, जितने भी नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, जितने भी नॉन वेजिटेरियन है, कभी आप मुर्गा खाते हो या बकरिया कोई भी एनिमल्स खाते हो जिसका थोड़ा मोटी हड्डी हो, ठीक है, मछली की बात नहीं कर रहे, मछली में बोन मैरो तुमको कम दिखाई देगा, उसमें स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं पर आपको बोन मैरो कम दिखाई देगा। जितने भी नॉन वेजिटेरियन है जब वो लेग पीस खाते हैं तो लेग पीस में आपको बताते हैं क्या कहा होता है। आप देखे होंगे कि लेग पीस कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का लेग पीस होता है। कोई है जो ऑनलाइन हो और इस तरह का लेग पीस खाया हो, देखा हो ना लेग पीस को कि नहीं देखे हो? ऐसे हम लोग का पैर होता है ना उस तरह से मुर्गियों का पैर होता है। ठीक है, जिस तरह से दो हड्डी होती है उस तरह से उनके भी दो हड्डी होती है, एक पतली हड्डी है एक मोटी हड्डी होती है। ठीक है, तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन है जब इसको खाते हैं तो उनको देखिएगा कि जब आप इसको जब अगली बार से जब आप मुर्गा खाने बैठिएगा, ठीक है, अगर आपको लेग पीस मिलेगा या कोई भी पीस मिले जिसमें हड्डी हो उसके इस पार्ट को ब्रेक करिएगा, हड्डी के पार्ट को ब्रेक करिएगा। ठीक है, जब हड्डी के पार्ट को ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर एक ब्राउनिश कलर का मटेरियल भरा रहता है। आप देखोगे ब्राउन कलर का, क्योंकि वो
ब्राउन कलर का मटेरियल उसमें क्या होता है, भरा जाता है। ठीक है, यही ब्राउन कलर के मटेरियल जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। क्या होता है ये, इसी को हम लोग कहते हैं बोन मैरो। और जितने भी ये आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है ना, इसी बोन मैरो के अंदर होता है। तो याद रखेंगे, जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है सारे के सारे बोन मैरो में होते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो इज द मेन साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हो गया तो आरबीसी का काम हो गया, डब्ल्यूबीसी का काम हम आपको बता ही रहे हैं। प्लेटलेट्स का काम करता है कि ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करता है, मतलब कि ब्लड को जमाने का काम प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो अब फोकस करना है वो डब्ल्यूबीसी पर है। डब्ल्यूबीसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है लिम्फ, यानी कि लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या होता है लिम्फोसाइट। आई बात समझ में? अब जो ये लिम्फोसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी को किल करने का, मतलब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने का काम करता है वो होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, यही से टर्म आया लिम्फोसाइट, मतलब लिम्फ। ठीक है, देखो जिस तरह से अगर मान लो कि कोई पुलिस स्टेशन है, जैसे आपको हम इस तरह समझाते हैं, मान लो कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या किसी भी सिस्टम को अगर जुड़ना होता है तो क्या करते हैं, बीच बीच में पुलिस चौकी बनाते हैं। ठीक है, एक थाने के अंदर एक दो पुलिस चौकी बना देते हैं। ठीक है, कि पुलिस की कम्युनिकेशन सिस्टम आसानी से काम करते हैं। आरी बात समझ में? तो हर सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ा जाता है ताकि क्या हो कि सिस्टम आसानी से काम करे। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी क्या होता है कि इन इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए पैथोजन कितना आया, कहां आया, बॉडी में किस पार्ट में इफेक्टेड हुआ, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में भी सेंटर बने हुए हैं, स्टेशन बने हुए हैं। ठीक है, जो स्टेशन बने होते हैं ना वो एक जगह स्टेशन है, उतना बड़ा सा उसका घर होता है। अरे बस नहीं, एक स्टेशन है उस इसका क्या है, एक पार्टिकुलर से मान लो कि एक पुलिस स्टेशन है, उसके एरिया होंगे ना कि इतने एरिया में वो कवर करेगा और इतना बड़ा एक स्टेशन होगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, हमारे बॉडी में भी छोटे छोटे स्टेशन होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड। ठीक है, ये लिम्फ नोड क्या करते हैं कि लिम्फेटिक्स यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और कहाँ एंटीबॉडी बनाना है, कहाँ एंटीजन है, उसको कंट्रोल करने का, देख रेख करने का काम इसी लिम्फ नोड का होता है। ठीक है, और यही से लिम्फेटिक सिस्टम काम करती है। आरी बात सही में? तो लिम्फ बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। तो ये लिम्फोसाइट, यही लिम्फोसाइट हमारे लिए बॉडी में अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखो ये जो लिम्फोसाइट होता है ये जनरली होता क्या है, अब आपको हम इसको समझाते हैं। देखो अब जब हमारी बॉडी में कोई भी तरह के, क्योंकि कोई भी बॉडी हमारे बॉडी में अगर कोई भी पैथोजन आता है तो क्या करेगा, हमारे सिस्टम को मारेगा, हमारे सिस्टम को मारेगा मतलब हमें बीमार करेगा। और जब बीमार करता है तो मतलब हमारी इम्यून पावर को कमजोर करता है। अरे बात समझ में? क्या कमजोर करता है? इम्यून पावर को कमजोर करता है, मतलब हमारे लड़ने की, हमारी बॉडी को लड़ने की शक्ति को कम करता है। और किसका कम करता है? ग्लोबिन का। भाई हीमोग्लोबिन ब्लड का पार्ट है ना, ये जितने के सारे पार्ट है किसके, ग्लोबिन के पार्ट है ना, हीमोग्लोबिन या डब्ल्यूबीसी में होता है लिथ्रोसाइट लिम्फोसाइट, ये जितने भी चीजें क्या है, ग्लोबिन है। तो ग्लोबिन क्या है? हीम क्या है? एक आयरन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। आप जब पढ़ते हो हीमोग्लोबिन के बारे में, पढ़ता है जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन टर्म आता है ना, हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन क्या है? हीम मतलब क्या है? आयरन है। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम में हमारी बॉडी में क्या होता है कि जब कोई पैथोजन आते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को कंप्लीट तोड़ते हैं। और इम्यून सिस्टम को तोड़ना मतलब हमारे ब्लड के साथ खेलना, लिम्फोसाइट के ब्लड लिम्फोसाइट के साथ खेलना, न्यूट्रोफिल के साथ खेलना, बेसिनोफिल्स के साथ खेलना। वहां पर क्या होता है कि इसी टर्म को मिलाकर जो इम्यून पावर को ब्रेक करना मतलब क्या है, इम्यून और साथ में ग्लोबिन। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग इम्यूनोग्लोबिन।
इम्यूनोग्लोबिन एक टर्म बनता हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन, और यही इम्यूनोग्लोबिन को हम एक छोटे टर्म से रिप्रेजेंटेशन करते हैं आईजी। क्या बोलते हैं हम लोग? आईजी। ठीक है, तो ये जो इम्यूनोग्लोबिन टर्म हमारे पास आता है, इसमें ये खास करके एक कॉम्प्लेक्स होता है, ध्यान रखेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जो एक ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान रखेंगे आईजीजी, आईजी जो होता है हम लोग कहते हैं ग्लाइको, खास करके ये बना किससे होता है? ग्लाइको प्रोटीन से। अब ये जो ग्लाइको प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं कि आपस में एक बॉन्डिंग बनाते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है वो एक ऑलिगोसाइट्स। अभी हम आपको डिटेल जब सिखाएंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक चीज सिखा रहे हैं, जब हम इसके आगे आएंगे ना, बेसिक से जब बढ़ेंगे आगे, तो आपको बताएंगे कि ये आईजीजी आईजीए ये जितने भी अलग अलग तरह के एंटीबॉडी, ये जितने भी है ना इम्यूनोग्लोबिन, ये सारे के सारे एक एंटीबॉडी है। क्या है ये? एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या करता है कि जितने भी पैथोजन आते हैं उसको किल करने का काम इस एंटीबॉडी का होता है। तो ये सारे के सारे हमारे बॉडी में एंटीबॉडी है। ठीक है, अब एंटीबॉडी बनाने के लिए लिम्फोसाइट की जरूरत पड़ती है, और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो दो तरह के सेल्स का निर्माण करते हैं। एक होता है हम लोग कहते हैं बी साइट लिम्फोसाइट, और एक होता है टी सेल लिम्फोसाइट। क्या होता है? एक होता है बी सेल और एक होता है टी सेल। ठीक है, तो ये बी सेल और टी सेल लिम्फोसाइट जो होते हैं वो दो अलग अलग तरह के लिम्फोसाइट होते हैं। अभी जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जो बनते हैं ना, देखो ये एंटीबॉडी बड़े कमाल के एंटीबॉडी होते हैं। ये इनके जो फॉर्मेशन होते हैं, जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का, इनका अलग तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जनरली हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी कहा जाता है वह पांच तरह की एंटीबॉडी मानी जाती है। कितने तरह के? पांच तरह के। एग्जाम निमोनिक याद रख लो, गामदेव। ठीक है, तो गामदेव याद रख लो, रामदेव के बाबा, बाबा रामदेव को नहीं याद करना है, गामदेव। प्यार में टूटा हुआ इंसान है, बोलता है गम दे, हमें गम चाहिए। और गम में क्या होता है? जब इंसान को गम मिलता है तो अंदर से शक्ति मिलती है किसी भी काम को करने की। कहा जाता है कि बिहारियों, कुछ भी बिहार के, खास करके बिहार के व्यक्तियों का जब दिल टूटता है तो सीधा वो सुसाइड नहीं करते हैं, आईएएस और पीसीएस बनते हैं। ठीक है, अधिकतर ये किस कहा जाता है एकदम, ये बात हमेशा सच भी कही, सच तो है भी, क्योंकि तो आप देखोगे ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लो कि अगर सबसे ज्यादा अगर आईएएस पीसीएस अगर बाहर से निकलते हैं तो यूपी बिहार वाले हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है गम दे। गम दे का मतलब क्या होता है कि हमें तकलीफ मिलेगा तभी तो हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं ना कि जब तक ठोकर नहीं खाते हैं तब तक समझ में नहीं आता है, और वक्त पर ठोकर खा जाते हैं तो समझ में आ भी जाता है, और वक्त के बाद ठोकर खाते हैं तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता है। इसलिए कहते हैं कि बेटा प्यार मोहब्बत की दुनिया में उतना मत परवान हो जाना कि कल के डेट में अपनी पहचान छुपाने के लिए किसी गलत गलत कदम को उठाना पड़ जाए। इसलिए सतर्क रहें, करें सब कुछ करें, पर अपने कार्य को ना भूलें। पढ़ाई हमारे जीवन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम हर बार कहते हैं, हर लड़के और हर लड़की से हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि बुक को अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड समझ लो, और किताब क्या कहते हैं पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी को अपने ससुराल समझ लो। ध्यान रखना ये किताब और ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक ऐसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ ये धोखा नहीं दे सकता है, और जब भी देगा तो एक सफलता देगा। तो कम से कम वाओ वापस लौट के और लड़ जाओ कि हाँ हमें कुछ करना है। जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो वही चीज क्या है? गम देव। ये गम क्या करता है? देता है। जब गम देता है तो शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, और इसमें शुरुआत होता है, इसमें कहते हैं आईजीजी आईजीए आईजीएम आईजीडी और आईजीई। ये पांच तरह के जनरली जो होते हैं वो एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ये पांचों एंटीबॉडी जो है अपना अलग अलग तरह से फंक्शन करता है, इसका अपना अलग अलग तरह से काम करने का तरीका है। अब इसमें से आईजीजी जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आईजीजी ऐसे एंटीबॉडी होते हैं जो मदर प्लेसेंटा, ये एग्जामों में कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि जो आई मदर प्लेसेंटा को पास कर जाते हैं, तो हम इसके बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आईजीएम आईजीजी और आईजीए का तीनों का फंक्शन क्या होता है, कैसे ये जो एंटीबॉडी बनते हैं वो एंटीबॉडी दो चैन से
बने होते हैं, एक होता है हेवी चेन और एक होता है लाइट चेन। हेवी चेन में जो होते हैं करीब करीब 500 न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, लाइट चेन में जो होता है करीब करीब 250 पाए जाते हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अटैचमेंट कैसा होता है, कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, कैसे वो एंटीजन से जाकर कैप्चर करता है, अटैकिंग पावर कैसी होती है एंटीबॉडी का, इन सारी चीजों को मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में तो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।